गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओपन एक्सरसाइज 13.1। सो वी डिड यस्टरडे टू क्वेश्चंस, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meters. क्या बात है आदित्य, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या सोच रहे हो? There is a rectangular hall, जो उसका फ्लोर है, फ्लोर क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर गिवन है, मीन्स पेज नंबर 213। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। Now see how to do this question. We have been given perimeter of rectangular hall that is 250 meters. Rectangle ka perimeter kya hota hai? This implies 2 × 12 plus d is 250। ठीक है, फिर हम ये किस चीज की बात कर रहे हैं, कहते हैं जो फोर वॉल्स हैं, अगर हम उसको पेंट करते हैं एंड द कॉस्ट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझो पहले मेरी बात, वॉल्स को पेंट करना है, एक मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 लगते हैं, तो जितना भी वॉल्स का एरिया है उसको पेंट करने के लिए कितनी अमाउंट लगेगी, क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे? अरे पहले सिंपल चीज है, डिवाइड करेंगे। चार वॉल्स हैं, एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए ₹10 लगते हैं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालते हैं, जितना वॉल्स का एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, ठीक है। हाँ, यहाँ गिवन है, मींस इधर समझो, मैं लिखवाती हूँ स्टेप वाइज, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला 2 × l प्लस डी एच, दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये पूरा एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10, ये पूरा एरिया है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी ₹10, ये हमें गिवन है 15,000, इक्वेट करेंगे, एच निकालेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? नाउ राइट डाउन, एरिया ऑफ फोर वॉल्स बेटा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज 2 × l प्लस बी एच, 2l प्लस b वैल्यू इज गिवन टू अस, हाउ मच, 250, बोर्ड पे देखो, यू कैसे समझ नहीं आना है, ऐसे समझ नहीं आना क्वेश्चन, 2 × l प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है 250, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है 2 × l प्लस बी एच, मीन्स इसकी वैल्यू हमें गिवन है 250, तो मैंने 250 लिख दिया इनटू एच, ये समझ आ गया, ठीक है, आगे लिखिए।
रट्टे नहीं लगाने, समझ के करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स? जितना एरिया है मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ इट इज गिवन दैट द टोटल कॉस्ट इज 15,000। सो एच इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 250 एंड 10। Height is equal to 6 meters. नहीं समझ आया? Sure? Any doubt to anyone, बेटा please ask. ऐसे नहीं कि बिना समझे आप note करो. Please ask if it is not clear. Note down. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। वी हैव अ कंटेनर जिसमें पेंट है, कंटेनर्स मिलते हैं पेंट के, तो उस कंटेनर से कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस इनटू दिस इनटू दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? कहते कि एक हमारे पास जैसे कंटेनर है उसमें पेंट है, हमने उस पेंट से क्या पेंट करनी है? ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स? और ये हमें पता है कि टोटल जो एरिया कितना पेंट हो सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। How many bricks can be painted? इसके लिए देखो, जो हमारे पास एरिया है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, और जो डायमेंशंस है वो किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके लिए हम पहले दो तरीके हैं, या तो मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दो। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 × 100 वही करेंगे। ठीक है, नाउ हमने ब्रिक को पेंट करना है। ब्रिक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। जब ब्रिक को पेंट करना है तो सारी तरफ से करना है, तो हमें उसका कौन सा एरिया चाहिए? कर्व्ड के टोटल, कर्व्ड के टोटल। कर्व्ड क्या होता है? ब्रिक मतलब ईंट। ये है मेरी ईंट, ईंट देखिए कभी वो ऑरेंज ऑरेंज। अगर मैंने उसको पेंट करना है, क्यों ऊपर वाली साइड करना है? ऊपर वाली साइड लिखा है कहीं? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कब कहीं लिखा है? पेंटेड को नहीं लगा सकते, कहीं लिखा है कि we have to paint only the curved surface area of the brick. So it means जब हमने ब्रिक को पेंट करना है तो हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है। बीच में लगा देंगे, ये थोड़ी कोई लॉजिक ऐसे कुछ लिखा है कि the one side one face will be placed on the wall, so no need to, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, राइट डाउन, फिर जो टोटल एरिया उससे एक ब्रिक के एरिया को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कि हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं विद द गिवन पेंट इन द कंटेनर।
इज द क्वेश्चन क्लियर? नाउ राइट डाउन बेटा, एल इज इक्वल टू सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच. Do the calculations. Hurry up. Huh? You? One, two. नाइन थ्री सेवन पॉइंट फाइव जीरो मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ वन ब्रिक. काइंडली नोट डाउन बेटा, देन आई विल रब इट. राइट, नाउ वी विल राइट टोटल एरिया टू बी पेंटेड. कितना एरिया पेंट हो सकता है? 9.375 मीटर स्क्वेयर. ये हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर में आ रहा है. सेंटीमीटर थे ना बेटा हमारे यूनिट्स. ये हमारा यूनिट्स किसमें है? मीटर में. इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 और 100 200 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज मीटर स्क्वायर. तो क्या आएगा? पॉइंट हटाओ नीचे 1000. We get this. I hope each one of you is understanding. ठीक है, पहले बेटा हमने एक ब्रिक का एरिया निकाला. एक ब्रिक का एरिया, ब्रिक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला. यूनिट सेंटीमीटर में थे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है, अब टोटल एरिया टू बी पेंटेड मतलब कितना पेंट हो सकता है. 9.375 मीटर स्क्वायर था, हमने आगे डिवाइड करना है. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है. इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया. वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर इनटू 1 मीटर, देन ओनली इट बिकम्स 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10,000, राइट? सो नंबर ऑफ
ब्रिक्स विच नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक दैट इज 93750 डिवाइडेड बाय 937.50. नाउ हियर इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू नंबर्स आफ्टर डेसिमल. अगर मैं ये डेसिमल हटाती हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 100. ये कट गया. आंसर इज 100 ब्रिक्स. हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड? 100 ब्रिक्स. सिंपल है. अब आपको समझ आ गया. आपके पास एक कंटेनर है, आप जाते हो है ना मार्केट में, कंटेनर लेते हो जिसमें पेंट है, उससे कितना एरिया पेंट कर सकते आपने, उससे ब्रिक्स पेंट करनी है, कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हो. इसके लिए ये दिस इज द मेथड विच इज यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. आपने अपने घर पे व्हाइट वॉश करवाना है, कितना एरिया पेंट हो सकता है. तो पहले अगर आपको अपने घर का एरिया पता होगा और उस कंटेनर से कितना एरिया पेंट हो सकता है ये भी पता है ना. कहते हैं ना पेंटर एक एक बाल्टी से इतना हो सकता है, इफ यू हैव एवर कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो वो जितना टोटल एरिया जो उस कंटेनर से पेंट हो सकता है डिवाइडेड बाय, अगर एक ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो एक ब्रिक के एरिया से, उससे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाए. ठीक है, समझ आ गई है? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज length, breadth and height is given to us and also that is given in centimeters. No need to change any unit. What is the question? Which box has the greater lateral surface area and by how much? And which box has the smaller total surface area and by how much? This is your homework. What you have to do in this question? Haan ji. Cube aur pehle cube ka. क्यूब का आपने टोटल सरफेस एरिया कर्व निकाल लो पहले, फिर टोटल निकाल लो, फिर क्यूबॉइड का. पहले केस में दोनों का क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इज वन एंड द सेम थिंग. फिर आपने बताना है कि किसका ज्यादा एंड बाय हाउ मच, बड़े में से छोटे को माइनस करना है. ऐसे ही सेकेंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया किसका, यू कैन फाइंड आउट. सिंपल है, एज दी हुई है. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है शिवांश? यस, 6a स्क्वायर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4a. सो इट इज वेरी इजी. a इज गिवन टू यू, lbh इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया एंड देन यू कैन आंसर. एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर? Yes, online students, is it clear? Fine. Aditya, smaller total surface area नहीं, पूरा पढ़ो. Which box has smaller total surface area? दोनों में से किसका कम है? क्या? Total surface area. यहाँ पर हम total surface area की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 3D figures हैं. स्क्वायर और रेक्टेंगल करते थे छोटे क्लासेस में. एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया ज्यादा है एंड बाय हाउ मच करते थे ना. क्या करते थे? दोनों का एरिया निकालते थे, ज्यादा वाले में से छोटे को माइनस करते थे. याद है किसका पेरीमीटर ज्यादा है? वही बात है यहाँ पर, किसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है. फॉर्मूलाज आर डिफरेंट. हाँ बिल्कुल, ये होमवर्क ये खुद करोगे आप क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाकर आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर देना. दैट इज कुछ भी इसमें घुमाया हुआ नहीं है, सिंपल है.
कैलकुलेशंस है दैट यू विल डू योरसेल्फ। चलो ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, ग्रीन हाउस देखा है किसी ने? ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस अभी फिल्मों में देखा है, क्या होता है? देखा है तो होता क्या है? हाँ नहीं, जिसने यस हाँ जी, ग्रीन हाउस इज अ, इट इज हर्बेरियम, यू कैन सर्च ऑन नेट, वेयर वी प्लेस दी प्लांट्स। ठीक है, सनलाइट आती है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बोला, मीन्स दैट इज अ क्यूबॉइड, राइट? इन्होंने बोला है, क्वेश्चन पे आओ, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, शीशे का बना होता है, ग्लास का बना होता है मतलब, और सनलाइट, हाँ, फ्रॉम वेयर द सनलाइट कैन पास थ्रू। लेकिन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो उसका बेस हो वो भी ग्लास का बना हो, वो हमारे नीचे नॉर्मल फ्लोर होता है जिसमें प्लांट्स रखे होते हैं और तीन साइड से ग्लास होते हैं, सो दैट सनलाइट कैन पास। बट इन अवर क्वेश्चन इट इज गिवन, सी देयर आर टू एंट्रीज ऑफ अमन, हु इज इट नाउ, राइट? Now in the question they are saying कि ग्लास जो बेस है वो भी किसका है? ग्लास का। तो इसका मतलब पूरा जो क्यूबॉइड है वो ग्लास का बना हुआ, हमें कुछ माइनस नहीं करना। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी सर्फेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, आपने ये ध्यान हमेशा रखना है कि क्या जो डायमेंशन गिवन है सबके यूनिट सेम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर। What is the area of the glass? Now one thing more, बेटे, जब भी, whenever it is, the word area is written, that find the area of cuboid, find the area of cube, find the area of cylinder. If only area word is written, then you have to find the total surface, not the curved. Area लिखा है तो सारा total. अगर curved होगा तो वो बोलेंगे कि curved निकालो, या बोलेंगे बॉक्स है ओपन फ्रॉम द टॉप या कुछ भी। लेकिन अगर सिर्फ एरिया लिखा है तो दैट मींस यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो बेटा अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, वी विल राइट, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो 25 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड एरिया इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस HL, सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन,
Now, beta, done. See the second part of this question. How much of tape is needed for all the 12 edges? What are the edges of the cuboid? ये edges होती हैं board पे देखो. ये हमारी क्या होती हैं edges? ये सारी lines elements हैं. Right? हमने सारे edges पे क्या करनी है taping. कितनी टेप चाहिए? Can anyone tell me? पैरीमीटर नहीं, पैरीमीटर क्या होता है क्यूबॉइड का? एनीवन ऑनलाइन? एरिया की बात तो नहीं, टेपिंग करनी है कोनों, कोने वाली जो लाइन सेगमेंट्स है नीचे नीचे ऐसे ऐसे. हाँ, पैरीमीटर क्या होता है बेटा? क्यूबॉइड का नहीं होता ना. 6x है क्यों? फिर यस अपरन, जैसे मैम हम फोर्थ ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट करेंगे. हाँ देखो इधर बेटा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, ये ब्रेड सॉरी, ये ब्रेड, ये ब्रेड, ये ब्रेड और हमारी ये, है ना, और हमारी ये हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, और टेपिंग करनी है ना लाइन से एजिस पे. तो चार लेंथ टेप होंगी, चार ब्रेड और चार, बात समझ में आ रही है? LBH है ना, 12 कैसे? ये पेरीमीटर मीन्स अलग अलग है. तो आप लिखोगे हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड, सो सेकंड पार्ट. हाँ जी हाँ जी, वही बोल रहे थे वो, पता नहीं क्या. 6x सेकंड पार्ट रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू 4L. 4 कॉमन, 50, 80 इंटू 4, 320 सेंटीमीटर. नोट डाउन. Any doubt to anyone? Now leave question number 7 that we will discuss tomorrow. It is a bigger question and we have less time. Come to question number 8, beta. Question number 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. Tarpaulin samajhte ho? Kya hoti hai? Wo tarpal nahi bolte jisko hum? नहीं नहीं, जब वो जो जिसमें से पानी पास नहीं करता, हम जैसे हाँ हाँ, जो सब्जी वाले अपनी जो सब्जियों पे लगाते हैं ताकि पानी से हमारी सब्जियां खराब ना हो, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तरपाल बोलते हैं, जो पंजाबी में बोलते हैं जैसे तारपोलिन. आप समझ गए ना? हाँ, क्या ये क्या बोला? हाँ, प्लास्टिक,
ये क्या बोल रहा है? वही जिससे अ मटेरियल फ्रॉम विच द वॉटर कैन नॉट पास थ्रू. हाँ, टारपोलिन. आई होप एवरीवन हैज गॉट वॉटर व्हाट इट मींस. ठीक है, हाँ समझ आ गई. बहुत सबने देखा है, इट इज कॉमन, एवरीवन वी नो. सो परवीन वांटेड टू कवर हिज कार, जो हमारी कार के कवर होते हैं बेसिकली. कार के कवर तो सबने देखे हैं, न्यू कार, कार के कवर तो सबने देखे हैं. ठीक है ना, बेस से तो नहीं होते. वो क्या कवर करते हैं कार को, अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल कार है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टॉप कवर करते हैं, है ना. ठीक है, अज्यूमिंग ये बीच में लिखा हुआ है विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप व्हिच कैन बी रोल्ड अवे, ये सब बीच में ही आता है, टॉप और कर्व में. अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, जो स्टिचिंग मार्जिन्स है उसको बहुत बहुत कम है, इसलिए उसको हमने अपनी कैलकुलेशन में इग्नोर करना है. हाउ मच टार, क्वेश्चन हमारा है हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशंस 4 मीटर इनटू 3 मीटर. इट इज वेरी इजी, इट मींस इट इज देयर इज अ क्यूबॉइड व्हिच वी हैव टू कवर फ्रॉम द टॉप एंड द कर्व. व्हाट इज द एरिया ऑफ, तो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप. या हम ऐसे भी निकालते हैं, कई बच्चे टोटल में से बेस को माइनस कर देते हैं, बात एक ही है. ठीक है, सो राइट डाउन L is, ये बेस की dimensions given है 4 meter into 3 meter. इसका मतलब ये क्या है, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर. तो इसका मतलब ये 4 meter into 3 meter क्या है बेटे, L into D. Length is 4 meter, breadth is 3 meter and height is 2.5 meter. Required area is curved surface area of cuboid plus area of the top कर लो कैलकुलेट. ठीक है, सो द टोटल एरिया ये 2.5 है, 47 मीटर स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट कर सकते. फाइन, so 7 question of this exercise is left that we will discuss tomorrow. Any doubt to anyone? So today is your result. All the best. Kaise pata? Half roll numbers hai mere paas. All right students, see you on Monday. Now take care. 2nd October.